अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं उस्मान अली और एस सी ओ केस के एक नए वीडियो में खुश आमदीद और लास्ट वीडियो में हमने जो है आ, स्टार्ट एस सी ओ बिफोर वेबसाइट देखा था कि इस टॉपिक में कि हमें आ, जो है वो वेबसाइट शुरू करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आज से जो है हम ऑन पेज एस सी यू स्टार्ट कर रहे हैं जा रहे हैं ऑन पेज एस सी यू में हम जो है वो फर्स्टली जो है वो डोमेन नेम के बारे में सीखेंगे और ऑन पेज एस सी यू क्या होती है उसके बाद डोमेन नेम के बारे में जो है वो देखते हैं उससे पहले मैं आपको बताता कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आगा रह सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है कि ऑन पेज एस क्या होती है ऑन पेज एस होती है कि जो हम अपनी वेबसाइट की एस है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए करते हैं यानी कि हमने अपनी जो वेबसाइट की एस है वो हमने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर करनी है जबकि ऑफ पेज एस जो होती है वो दूसरों की वेबसाइट के ऊपर जाके करते हैं तो हमने जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए जो एस करनी है वो जो है ऑन पेज एसी ओ है इसमें सबसे पहले आ जाता है डोमेन नेम यानी कि हम जब वेबसाइट को बनाने से शुरू कोई भी शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो वेबसाइट का नाम सेलेक्ट करना है वो नाम कैसा होना चाहिए उसमें एस के कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने जो है वो मद्देनज़र रखना है उसमें जो है डोमेन नेम की सिलेक्शन के लिए हमने सबसे पहले जो है ये देखना है डोमेन नेम शुड बी रेलिवेंट टू योर टॉपिक यानी कि आपके जो डोमेन आप बना रहे हैं डोमेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए ये नहीं है कि आप कोई ब्लॉगिंग के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं और उसकी डोमेन का नाम आप किसी स्पोर्ट्स के नाम से रख दें यानी कि स्पोर्ट्स चैनल लाइव डॉट कॉम तो ये एक अच्छा नाम नहीं है यानी कि आपके टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट हो गया है तो आपने नाम वो सिलेक्ट करना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है लाइक जिस तरह से मैं आपको ये दिखाता हूँ अब ये देखें एक इसने ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है और देखें इसने नाम क्या रखा है ब्लॉगर लैब यानी कि इसने अपने टॉपिक से रिलेटेड ही इसको जो है वो रखा है इसी तरह मैं ये एक और के ऊपर आता हूँ इसमें भी देखें ये ब्लॉगिंग के ऊपर ही वेबसाइट है और इसका नाम जो रखा है वो ब्लॉगर ट्रिक्स रखा है यानी कि प्रॉपर रेलिवेंट है इसी तरह मैं एक ये अपने मेरी अपना ब्लॉग है ठीक है इसके ऊपर मैं आता हूँ अब इसमें देखें ब्लॉगर एंड मनी यानी ठीक है और ब्लॉगिंग के ऊपर और मेक मनी के हवाले से ये वेबसाइट है और इसमें भी देखें जो नाम रखा गया है वो ब्लॉगर एंड मनी यानी कि प्रॉपर रेलिवेंट रखा गया है ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर ये ब्लॉगिंग के ऊपर साइट बना रहे हो और यहाँ पर रख रखने जी स्पोर्ट्स चैनल लाइव डॉट कॉम ठीक है तो ये एक अच्छा नाम नहीं होगा यानी कि आपके टॉपिक से ही डिफरेंट है रेलिवेंट नहीं है तो आपने अपनी वेबसाइट का नाम वो सेलेक्ट करना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सेकेंडली इसमें है डोमे शुड बी इजी टू रिमेंबर यानी कि आपका जो नेम सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो दूसरे लोगों को इजीली जो है वो आसान आसानी से याद आ जाए ठीक है ये नहीं है कि बहुत टफ़ और सा नाम रख लें ठीक है जिससे लोग अगर एक मरतबा आपकी साइट के ऊपर आ जाएं तो आ, वो अगर न्यू व्यूअर्स आया है ठीक है तो वो आपकी वेबसाइट को याद ही ना रख पाए कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या था तो वो इजीली रिमेम्बर कर जाए जिस तरह की लाइक यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर ये एक वेबसाइट स्माल एस यू टू स्मॉल एस यू टूल्स डॉट कॉम ठीक है अब देखें आ, एस यू के वाले से टूल्स के ऊपर वेबसाइट है तो इस इंतहाई ईजी सा और बहुत आसान एक नाम रखा है जो ईज़िली याद हो सकता है इसके अलावा आप और बहुत सी वेबसाइटों को देखेंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट से मुश्किल से नाम रख दिए जाते हैं जो कि जो याद करना दूसर, दूसरे दूसरे शख्स के लिए जो है आपका विजिटर्स आ रहा है उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो आपने नाम कोशिश करें कि वो सिलेक्ट करें जो ईज़िली बंदा दूसरा दूसरा जो है वो आपका विज़िटर आने वाला है वो उसको याद रख सके नेक्स्ट है डोमेन मस्ट बी हैव प्राइमरी कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड उसके अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को इस्तेमाल करें लाइक like यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आप देखें ये ब्लॉगर के ऊपर साइट है तो इसने भी यहाँ पर ब्लॉगर का नाम यूज़ कर लिया है ठीक है ब्लॉगर लैब ठीक है इसी तरह से इधर आता हूँ मैं इसने भी ब्लॉगर के ऊपर साइट के ऊपर टॉपिक के ऊपर बनाई है इसने भी आप देखें हमारी ब्लॉगर ट्रिक्स रखती है ठीक है ब्लॉगर का उसने नाम यूज़ किया है तो इसी तरह से इधर आता हूँ तो इधर में देखें ये ब्लॉगर एंड मेक मनी के ऊपर वेबसाइट है तो इसमें भी देखें ब्लॉगर और मेक मनी दोनों लफ्सों को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया है तो आपने जो प्राइमरी कीवर्ड्स है आपके टॉपिक से रिलेटेड उसको भी कोशिश करनी है कि आपने उसको अपने जो वेबसाइट का डोमेन का आप नेम रख रहे हैं उसको उसके अंदर जो है वो शामिल करना है उसके अलावा डज नॉट मैटर यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के बाद जो है वो डॉट कॉम की आप डोमेन ले रहे हैं डॉट नेट की ले रहे हैं डॉट ओ आर जी की ले रहे हैं या पी के की ले रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार आपकी वेबसाइट के अगर डॉट कॉम आ रहा है तो ये अच्छा है या डॉट नेट आ रहा है तो अच्छा है या डॉट जी तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आपका चाहे डॉट कॉम आए डॉट नेट आए डॉट जिससे भी आप जो है वो डोमेन परचेज करें तो ये कोई इसमें मैटर करने की भी को, कोई भी मसला नहीं है कि आपकी जो डोमेन है वो डॉट कॉम के ऊपर होनी चाहिए डॉट नेट की होनी चाहिए डॉट ओ आर जी की होनी चाहिए जो मैटर करती चीज़ें वो ये है कि आप ये देखें एक साइड का मैंने यहाँ पर दिखाया है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसमें आपने जब भी कोई अपनी डोमेन का नाम लेना है तो उसके अंदर ये डॉट्स वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना ठीक है आप देखें यह फ्री है यहाँ पर क्लासिफाइड ठीक है ये जो डैश का साइन इसमें इंटर किया गया ऐसी चीज़ों को आपने इंटर नहीं करना ये एस के लिए बेहतर नहीं है ये एक अच्छा नाम नहीं है ठीक है इसी तरह आपने कोई वर्डिंग के अंदर जो है वो काउंटिंग के वर्ड्स जो होते हैं मतलब एक दो तीन चार इसको इस्तेमाल नहीं करना ये देंगे फ्री एस एम एस फॉर यू ठीक है ये जो चार का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया कि ये एक एस सी के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है तो आपने इन चीज़ों को ऐड नहीं करना इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल दे दिया फ्री सॉफ्टवेयर वन टू थ्री डॉट कॉम ठीक है तो आपने गिनती के जो लफ्ज़ होते हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना ये डॉट्स वगैरह इन चीज़ों को इस्तेमाल जो है आपने वेबसाइट के नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं करना ये एस के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं है ठीक है आपने जब भी जो साइट को सेलेक्ट आउट करना है तो आपने क्वेश्चन नहीं आपने वर्ड्स डायरेक्टली वर्ड्स में करना देखें ये इसको मैं रोज तो इस तरह की आप साइट का नाम रख सकते हैं ठीक है प्री क्लासीफाइड ठीक है डैश और जो नंबरिंग वगैरह इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है तो आ, कभी भी जब ने आप डोमेन लेनी है डोमेन लेने के लिए और रखने के लिए आपने जो है वो आ, इस चीज़ों को इन चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ठीक है एस के पॉइंट के इन चीज़ों के अंदर रहते हुए हमने जो है वो आ, अपनी जो डोमेन है उसको सिलेक्ट आउट करना है तो नेक्स्ट सब वीडियो में मिलते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल